अरे भैया यहाँ पे क्या हो गया, आग लग गया क्या? अरे कौन है भैया जिसने जंगल पे आग लगाया है? पता नहीं यार। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। तो गाइस, आज काफी दिन बाद हम लोग किसी गरीब रथ एक्सप्रेस का जर्नी करने वाले हैं। वैसे आप लोग जरा गेस तो करो कि आखिर कौन सा गरीब रथ एक्सप्रेस का जर्नी होने वाला है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। आज हम लोग 12187 जबलपुर टू मुंबई CSMT गरीब रथ एक्सप्रेस का जर्नी करने वाले हैं। फिलहाल सामने आप लोग देख ही सकते हैं कि जबलपुर जंक्शन आपके सामने में दिखाई दे रहा है और लगता है सामने से कोई ट्रेन आ रही है क्योंकि मेरे को हॉर्न और चगिंग साउंड दोनों सुनाई दे रहे हैं। एक काम करते हैं, जल्दी से अपने लोकोमोटिव को पहले रेडी करते हैं। तो चलते हैं फिर लोकोमोटिव, जो कि आज का हमारा वैब 7 है, इसके अंदर में चलते हैं और जल्दी से की वगैरह सारा कुछ ऑन करते हैं। ये की, तो की को जल्दी से प्रेस करके ऑन कर लेते हैं और अभी धीरे धीरे जो पेंटोग्राफ है ना उसको भी हम लोग ऑन करेंगे। ये देखो पेंटोग्राफ, अब बाहर में चलते हैं ताकि आपको नज़ारा दिखा पाऊँ अच्छे से। अभी धीरे धीरे हमारा लोकोमोटिव जो है वो स्टार्ट होगा और साउंड्स वगैरह आप लोग ज़रा सुनिए अच्छे से। और रात के वक्त का जर्नी आज का हमारा होने वाला है। तो देखो यार, ऐसा लग रहा है नींद से हम लोग किसी बीस्ट को जगा रहे हैं। खैर, हमारा बीस्ट वैप 7 तो जाग चुका है, अभी चलते हैं हमारे लोकोमोटिव के अंदर में और यहाँ से जो हमको काम करना है वह रिवर्स करना है लोकोमोटिव को, क्योंकि हमारा जो ट्रेन है ना जबलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, वो वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है। तो हम लोगों को लोकोमोटिव को वहीं पे लेके जाना है ताकि हम लोग लोको कपलिंग वगैरह कर पाएँ। तो चलो गाइस, अभी हॉर्न बजा के हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं। ब्रेक्स वगैरह सब रिलीज़ करते हैं हम लोग। ये रिवर्सर को कर दिया हमने फॉरवर्ड में और जो ब्रेक्स है उसको हम लोग अभी रिलीज़ कर देते हैं पूरा। अभी धीरे धीरे थ्रॉटल को आगे बढ़ाते हैं ताकि हम लोग स्लोली स्लोली आगे बढ़े। और वैसे कि ज़्यादा स्पीड हम लोग को यहाँ पे करना नहीं है क्योंकि यार ये शंटिंग टाइप का एरिया है ना। थ्रॉटल को हम लोग वापस से न्यूट्रल पे कर देते हैं। और अरे एक चीज़ तो हम करना भूल ही गए, हेडलाइट्स कौन जलाएगा? चलो हम ही जला देते हैं, शायद से यही वाला स्विच है ना हेडलाइट्स का। हाँ शायद से, देखते हैं सामने। हाँ गाइस, चलो हेडलाइट्स हमारा जल चुका है। अभी काफ़ी स्लोली स्लोली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैक मॉनिटर पे देख लेते हैं कि आखिर हमको जाना कहाँ पे है। तो JVP शंट 12 ये पॉइंट तक हम लोगों को लेके जाना है इस लोकोमोटिव को, यानी जहाँ पे ट्रैक स्विच है वहीं तक हम लोगों को लेके जाना है। और एक और चीज़ करना है, अंदर का जो मीटर कंसोल वाला लाइट्स होता है ना उसको हम लोगों को ऑन करना है। शायद से ये वाला है, नहीं नहीं गाइस ये तो शायद से कैबिन वाला स्विच है। तो यार कैबिन लाइट को ऑफ ही रखते हैं, कैबिन लाइट को ऑफ रखने से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये शायद से है कैब इंस्ट्रूमेंट लाइट। हाँ ये देखो गाइस, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे अभी लाइट्स जलना स्टार्ट हो चुका है। मैं थ्रॉटल को और धीरे से थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और अभी हम लोग पहुँच जाएंगे अपने अगले रिवर्सर पॉइंट तक। वैसे स्पीड लिमिट यहाँ का 40 दिखा रहा है लेकिन हम लोग ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते गाइस क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैक चेंज वगैरह यहाँ पे होने वाला है। तो बताओ गाइस, ये लोकोमोटिव का कैब राइड कैसा लग रहा है आप सभी को? और बस अभी हम लोग JVP शंट 12 वाले पॉइंट पे पहुंचने वाले। वैसे यहाँ पे सिग्नल ग्रीन दिखा रहा है क्योंकि यार हम लोग है ना, इसलिए सिग्नल ग्रीन हो चुका है। और अभी हम लोग हमारे लोकोमोटिव को यहाँ पे रोक देंगे। ब्रेक्स मैंने अप्लाई कर दिया और लगता है सामने से कोई एक ट्रेन आ रही है गाइस। कौन सा ट्रेन है मैं आपको एक बार चेकआउट करवा देता हूँ। एक बार हमारे लोकोमोटिव को रुक जाने दीजिए, उसके बाद मैं देखता हूँ। यार लगता है थोड़ा सा ब्रेक्स और अप्लाई करना पड़ेगा, मैं फुल पावर अप्लाई कर देता हूँ ब्रेक्स का। चलो गाइस, फाइनली हम लोग रोक चुके हैं हमारे लोकोमोटिव के साथ में और अभी यहाँ से हम लोगों को पीछे के साइड में जाना पड़ेगा। और सामने ये जो ट्रेन है ना, ये आप लोग देख लीजिए, क्रॉसिंग में आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये है 12669 गंगा कावेरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, इसका क्रॉसिंग देख लो आप लोग। बैकपोर्ट गाजियाबाद लोकोमोटिव के साथ में ये ट्रेन जा रही है, ये जबलपुर में अराइव कर रही है गाइस। तो मैसेज आ गया, गो बैक टू रिवर्स मोड एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो यहाँ से हम लोगों को रिवर्स मोड पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक जाना है, यानी जहाँ पे हमारा गरीब रथ एक्सप्रेस को रखा गया है। तो एक काम करते हैं, रिवर्सर को कर देते हैं हम लोग पीछे के साइड में और अभी ब्रेक्स को करते हैं यहाँ से रिलीज और हॉर्न बजा के हम लोग पीछे के साइड में चलते हैं। तो चलो गाइज, अभी होने जा रहा है इस ट्रेन के साथ में काफ़ी छोटा मोटा सा पैरेलल रन। तो गाइज देखो यार, वीडियो के स्टार्टिंग में ही पैरेलल रन आप सभी को देखने को मिल रहा है, साथ साथ में कैब राइड भी आप लोगों को देखने को मिला। तो गाइस कौन सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये पैरेलल रन या फिर कैब राइड, मुझे बताना कमेंट्स में। देखो गाइस कितना ज़्यादा शानदार वाला पैरेलल रन चल रहा है हमारा गंगा कावेरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ में और इटारसी का वैप 7 लोकोमोटिव आज हमको मिला है। वैसे ये जो ट्रेन है ना शायद से रुकने वाली है जबलपुर पे, इसीलिए इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। हाँ गाइस देखो, ट्रैक चेंज भी हो रहा है इसका, तो मैं कह रहा था ना।
ये देखो इसका ट्रैक से होते हुए जो नज़ारा है कुछ इस प्रकार का लग रहा है, और हम लोग जा रहे हैं सीधे ट्रैक्स यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के तरफ। और गाइस एक चीज़ मैं करना भूल गया, वो ये है कि हमारे पीछे में ना जो लाइट्स है वो मैं जलाना भूल गया। एक काम करते, जो मार्कर लाइट्स होते हैं ना मैं उनको जला देता हूँ। तो अंदर में चलते हैं यार, स्पीड कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं ब्रेक्स को भी धीरे धीरे अप्लाई कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमारा स्पीड ज़्यादा ना रहे। और राइट साइड में ढेर सारे लोकोमोटिव वगैरह भी है, उससे पहले हम लोग मार्कर लाइट्स को पहले ऑन कर लेते हैं, फिर मैं आपको आसपास का जो नज़ारा है वो सारा कुछ दिखा दूंगा। तो गाइस ये रहा, ये है आपका पीछे वाला मार्कर लाइट स्विच। अब पीछे के साइड में देखते हैं। तो गाइस यहाँ सामने जाकर पहले हम लोग रोकते हैं, उसके बाद मार्कर लाइट्स वगैरह सारा कुछ मैं चेकआउट कर लूँगा। तो फाइनली हम लोग गरीब रथ के पास में पहुँच चुके हैं, जबलपुर जंक्शन का नज़ारा आपके सामने है। यार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा बना के रखा है, देखो चाय चाय वगैरह सब यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो पहले तो ब्रेक्स रिलीज करते हैं और धीरे धीरे हॉर्न बजाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये रेड कलर के मार्कर लाइट्स ऑन हो चुके हैं, हार्दिक स्वागत करती है। अभी काफी हमारे गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ यार, ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते। वो देखो गाइस उस साइड में वो जो फ्रेट ट्रेन है ना वो भी अभी डिपार्ट कर रही है, तो हम लोग काफी स्लोली स्लोली पहले कपल कर लेते हैं हमारे ट्रेन के साथ। तो चलो गाइस फाइनली कपल का जो प्रोसेस है वो हो चुका है हमारा कंप्लीट। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या कपलिंग सही से हुआ है ना। नहीं अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ पे इसको पहले क्लिक करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा कपलिंग का काम कंप्लीट। और एक उस साइड में देखो ये जो फ्रेट ट्रेन है बिल्कुल खाली फ्रेट ट्रेन है, पता नहीं यार किस साइड में ये जा रही है। इसमें सामने में तो एल्को लोकोमोटिव लगा हुआ था आपने देखा होगा, तो ये डिपार्ट कर चुकी है और शायद से इसके थोड़ी देर बाद में हम लोगों को आगे जाने का सिग्नल मिलेगा। तब तक मैं ना पैसेंजर बोर्डिंग को जल्दी से ऑन कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंग वगैरह हो रहा है, आप लोग टेंशन मत लो, मैं कोशिश करता हूँ कैमरा एंगल को सही तरीके से रखने की। एक काम करते हैं दरवाज़ा सब कुछ खोल देते हैं ताकि पैसेंजर बोर्डिंग, ये देखो ये कैसे लोग खड़े हैं ट्रेन के अंदर में जाएंगे इसीलिए, तो पैसेंजर बोर्डिंग को ऑन कर देते हैं हम लोग। कहाँ गया ये रहा ऑप्शन, ये देखो दरवाजा ओपन हो चुका है और पैसेंजर्स बोर्डिंग और डी बोर्डिंग सब स्टार्ट हो चुका है। देखो कैसे सब अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। अगर बात करें इस साइड में देखो यार स्टेशन पूरा पैसेंजर से भर चुका है जैसे हम लोग डोर्स को ओपन किए। तो चलो यार अभी जल्दी से स्टेशन का टूर मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे देखो ये रेल आहार का पता नहीं गर्मा गर्म क्या खाना वगैरह बन रहा है, अगर आप में से किसी को चाहिए तो ले लो, मेरे को देख के लग रहा है यार कुछ राइस वगैरह हो सकता है यहाँ पे। और अगर बात करें इस साइड की तो यहाँ पर अनाउंसमेंट सुने ही नहीं दे रहे, क्या बात है। और ये देखो कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, और साथ में जबलपुर का सामने वाला जो पोर्शन है ना वो भी आपको दिखा। ये बाहर में कौन चाय बेच रहा है यार, चलो यार अंदर में मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखो यहाँ पे बस डिपो लगता है और ये है जबलपुर का सामने वाला नज़ारा यानी जबलपुर पे एंट्रेंस का नज़ारा। तो यार जो लोग आप लोग जबलपुर से हो ज़रा मुझे कमेंट से बताना क्या रियल वर्ल्ड में भी जबलपुर ऐसा ही दिखता है, अगर दिखता है तो बताना फिर कमेंट्स में, मेरे को पता चलेगा। और ये हम लोग एंटर कर रहे हैं जबलपुर जंक्शन पर। देखो यार कितना ज़्यादा शान शान सा माहौल है यार, अनाउंसमेंट होता ना तो यार मज़ा ही आ जाता है यार सच में। पता नहीं अनाउंसमेंट क्यों नहीं आ रहा है, सिर्फ चाय वाले की आवाज़ सुनाई दे रहा है, कोई अनाउंसमेंट नहीं मिल रहा है। वैसे तो गरीब रथ का जो बोर्डिंग है वो हमारा चल रहा है, अभी तक आगे जाने का सिग्नल भी हमको नहीं मिला है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग ना उस साइड में देख के आते हैं गाइस, यहाँ पे एक और फ्रेट ट्रेन है और यहाँ पे कोई एलएचबी ट्रेन, वैसे थोड़ी देर पहले आपको दिखाया ना कावेरी एक्सप्रेस जो कि अराइव की है वैब 4 के साथ में, वो यहाँ पे रुकी हुई है। और अगर बात करें हम लोग इस साइड वाले एंट्रेंस की जबलपुर जंक्शन पे, देखो अरे जबलपुर जंक्शन पे ना ये जो नेम है कैसे एलईडी टाइप का इसमें एनिमेशन किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है गाइस। आपको कैसा लग रहा है ये, मेरे को तो बहुत ही प्यारा लगा ये वाला चीज़। और अगर इस साइड की बात करें यहाँ पे छोटे मोटे कार पार्किंग है और यहाँ पे देखो कोई ऑटो स्टैंड और साथ साथ में ये है जबलपुर का एंट्रेंस इस साइड वाला। तो यहाँ से भी हम लोग एक बार जल्दी से एंटर कर लेते हैं जबलपुर जंक्शन पे पश्चिम मध्य रेलवे। अरे यार अभी आया ना मजा, आप सभी यात्रियों का अनाउंसमेंट सुनो जरा, हार्दिक स्वागत करती है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर जंक्शन। सिग्नल हमको मिल चुका है आगे जाने का, हम लोग आगे जाएंगे पश्चिम मध्य वेस्टर्न सेंट्रल। देखो यहां पे गर्मा गर्म खाना मिल रहा है जबलपुर जंक्शन वेलकम्स यू। बहुत ही प्यारा अनाउंसमेंट यहाँ पे डाला गया है, खैर जो भी हो चलो अभी हम लोग ट्रेन को डिपार्ट करवाते हैं क्योंकि डिपार्चर करवाने का जो वक्त है ना वो हमारा हो चुका है। और यहाँ पे देखो गाइस हम लोगों को फाइनली आगे जाने का सिग्नल मिल चुका है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हो जाइए तैयार क्योंकि जबलपुर जंक्शन से मुंबई CSMT तक का गरीब रथ एक्सप्रेस का जर्नी का शुरुआत होने जा रहा है। लंबा सा हॉर्न बजाते हैं, ब्रेक्स वगैरह सब कुछ रिलीज कर लेते हैं। एक काम करते हैं गाइस हम लोग सामने वाले जो मार्कर लाइट्स होते हैं ना ये वाइट वाइट जलते नहीं है एलईडी टाइप के, उससे भी ऑन कर देते हैं। ये हम लोग कैब के अंदर में आ चुके हैं, ये वाला स्विच शायद से सामने वाले मार्कर का हो सकता है, मैं एक बार ऑन करके देखता हूँ गाइस। चलो बाहर के साइड में जाकर देखते हैं ऑन हुआ है क्या,
हाँ गाइस फाइनली ऑन हो चुका है और काफी ज्यादा शानदार और प्यारा लग रहा है हमारा वैब 7। अभी यहाँ से हॉर्न बजाकर हम लोग डिपार्ट करते हैं। अभी धीरे धीरे थ्रॉटल को इंक्रीज करके यहाँ से फाइनली डिपार्ट करते हैं। तो हाँ गाइस आप लोग बताना भूल गए क्या, जबलपुर जंक्शन से अगर आप में से कोई हो तो बताना फिर कमेंट्स में, और इस साइड का सीनरी और प्लेटफॉर्म का सीनरी कैसा लगा आप सभी को वो भी बता देना कमेंट्स में। क्या रियल वर्ल्ड में और गेम में आपको असली जैसा फील आया, अगर आया तो वो भी बताना यार। और अभी स्लोली स्लोली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे ट्रेन के साथ में। अगला जो हमारा हॉल्ट है वो मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, वो है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जो कि यहाँ से 84 किलोमीटर दूर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा दूर है नरसिंहपुर। मेरे को नहीं लगता मैं उतना दूर तक जा पाऊँगा। खैर देखते हैं कहाँ तक कवर अप कर पाते हैं हम लोग, वो एक बार चेकआउट करते हैं पहले। अरे वैब 7 जी अपना कमाल तो दिखाओ, जल्दी से एक्सेलरेट तो करो। वैसे 25 का लिमिट मिला है यहाँ पे। एक काम करते हैं मैं आपको जल्दी से डोर व्यू वाला नज़ारे पे लेके चलता हूँ। ये देखो ये पीछे वाले गार्ड व्यू के लिए कोच में अभी हम लोग आ चुके हैं, और स्टेशन काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है गाइस। देखो रिफ्लेक्शन देखो कितना असली लग रहा है रिफ्लेक्शन, और काफ़ी तेज़ी से हम लोग एक्सेलरेट तो कर ही रहे हैं यहाँ पे। थ्रॉटल को ना गाइस मैं 0 पे कर देता हूँ क्योंकि स्पीड लिमिट 25 का है ना। वैसे ऐसे हॉर्न सुनाई दे रहा है क्या? नहीं मेरे को तो नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ हल्का हल्का सुनाई दे रहा है। तो चलो यार थोड़ा सामने चलते हैं यार, यहाँ से नज़ारा देखते हैं। यहाँ से भी हॉर्न काफ़ी स्लोली स्लोली सुनाई दे रहा है, और वहाँ दूर में एक ब्लू कलर का एल्को लोकोमोटिव है, और सामने में एक और ब्लू कलर का एल्को लोकोमोटिव। आपको तो याद ही होगा कि कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पे वैब 7 के साथ में खड़े थे ना, तो ये वही वाला जगह है। तो फिलहाल हॉर्न बजाते हुए हम लोग जा रहे हैं। एक बार आप लोग ऐसे क्रॉसिंग देख लीजिए कैसा लग रहा है, काफ़ी शानदार सा नज़ारा गरीब रथ के साथ में। लेकिन ना एक चीज़, अगर यार गरीब रथ में ना अगर नाइट टेक्सचर्स ऐड किए जाते हमारा फीलिंग और ज़्यादा रियलिस्टिक वाला होता। हाँ मेरा मतलब है ये जो विंडो का टेक्सचर है अगर इसमें लाइट्स वगैरह जलते तो यार देखने में और ज़्यादा अच्छा लगता। तो चलो यार सामने में चलते हैं। अभी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है हम लोगों को पूरा। एक काम करते हैं स्पीड लिमिट भी 60 का मिल चुका है, अभी थ्रॉटल को इंक्रीज करते हैं और 60 तक जल्दी से पहुँचाते हैं हमारे गरीब रथ एक्सप्रेस को। तो डोर व्यू में दोबारा से मैं आपको लेके चलता हूँ, और साथ साथ में गाइस अभी मैं आपको इंटीरियर भी दिखा देता हूँ क्योंकि यार स्टेशन से तो डिपार्ट कर ही चुके हैं। जैसे कि मैं इंटीरियर की बात कर रहा था, ये देखो गाइस ये जो इंटीरियर है ना इसमें भी कोई लाइट्स वगैरह नहीं जल रहा है, जिसके चलते काफ़ी डल सा एक्सपीरियंस लग रहा है। अगर इसमें भी लाइट्स वगैरह जलते ना अच्छे तरीके वाले, ये देखो मैं ये लाइट्स की बात कर रहा था, अगर ये ग्लो होते ना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता गाइस। क्या कहना है आपका इस बारे में? और ये हम लोग साइड अपर वाले बर्थ पे हैं। ये देखो ये विंडो सीट में नज़ारा देखो, यहाँ पे कितने सारे दुकान वगैरह जो कि सब बंद है। टाइम हो रहा है अभी शाम के 7:00 शायद से 50 मिनट हो रहा है ना, हाँ शाम के 7:54 हो रहा है। और हमारे ऊपर से एक हाईवे है गाइस, पीछे में वो चला जा रहा है। देखो यार कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है हाईवे, आपको कैसा लगा? और ये पीछे वाला नज़ारा आप लोग देख लो, मैं पीछे वाला नज़ारा आपको दिखाया नहीं था ना। गरीब रथ का पीछे वाला सेक्शन कुछ ऐसा लग रहा है, और यार 60 का लिमिट था, वैसे 70 के लिमिट पर हम लोग एंटर कर भी चुके हैं। तो चलो गाइस अभी रात का नज़ारा देखते देखते आप लोग आज का जर्नी इंजॉय करने वाले हो। यहाँ पे पूरा हम लोग को अभी ग्रीन सिग्नल मिला है, और थोड़ा सा अगर पीछे के साइड में अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ से आपको नज़ारा देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे स्पीड हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है क्योंकि यार हम लोग ना एलिवेटेड ट्रैक से थोड़ा सा नीचे में उतर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ से शायद से नज़ारा देख के पता चल रहा होगा, ऊपर में एक और हाईवे ब्रिज था, और यहाँ सामने कोई स्टेशन वगैरह आ रहा है क्या? पता नहीं यार मेरे को ऐसा लगा कि शायद से कोई स्टेशन आ रहा है। वैसे स्टेशन का नेम भी यहाँ पे ढंग से देख नहीं पाते। हाँ गाइस सामने में कोई तो स्टेशन है जैसे कि मैं कह रहा था। तो एक काम करें गाइस, क्या हम लोग सामने लोकोमोटिव के पास में चले? चलो यहीं पर चलते हैं, यहाँ से दिखेगा अच्छे से। मदन महल स्टेशन है, हॉन्क मारते हुए हम लोग स्किप कर रहे हैं मदन महल स्टेशन को। और यार नाइट वाला एक्शन कैसा लग रहा है आप सभी को? क्योंकि यार डे का एक्शन तो हम लोग अक्सर करते रहते हैं लेकिन नाइट का एक्शन बहुत ही कम करते हैं। तो नाइट का एक्शन करते हुए आप लोग एक बार ऐसे भी क्रॉसिंग देख लीजिए, स्टेशन से आप लोग जरा क्रॉसिंग का एंजॉयमेंट ले लो और बताना फिर कैसा लग रहा आप सभी को। कैसा लगा गाइस, आया ना बिल्कुल असली जैसा मजा? मेरे को तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वाली व्यू आ रही है यहाँ से। हमारा स्पीड अभी हो रहा है 77 किलोमीटर पर आवर, और सामने में शायद से कछपुरा स्टेशन आ रहा है, उसे भी हम लोग करने वाले स्किप। तो
फाइनली क्रॉसिंग हो चुका है हमारा कंप्लीट। अभी सामने से ट्रेन को पकड़ लेते हैं। और ये क्या, कोई पीछे में ट्रेन आ रही है क्या? पता नहीं यार, हमारा जो ट्रेन है ना बहुत ज़्यादा उजाला उजाला सा लग रहा था। खैर जो भी हो, अभी आप लोग आसपास का सीनरी और नज़ारा सब कुछ देखते रहिए यहाँ पे। और यार कभी कभी ना मेरे को रेड सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और राइट साइड के ट्रैक्स पे देखो सिग्नल हो चुका है ग्रीन, मतलब बहुत जल्द हम लोगों को कोई ट्रेन देखने को मिलने वाला है। मैं काम करता हूँ, मैं ना पहले से कैमरा एंगल को एडजस्ट करके रखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा वाला नज़ारा दिखा पाऊँ। तो सामने में कचपुरा स्टेशन है जिसको कि हम लोग करने वाले हैं स्किप। 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसे हम लोग स्किप करने वाले हैं। ये देखो गाइस, राइट साइड का ट्रैक्स का सिग्नल ग्रीन हो चुका है। ये हॉर्न मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस, ये वाला हॉर्न सही है। और दूसरा एक और हॉर्न है ना, ये वाला, ये दोनों हॉर्न बिल्कुल सही है और काफी अच्छा लग रहा है। तो वो देखो गाइस सामने में, मैं कुछ जूम करके दिखाता हूँ, वो एक कोई तो ट्रेन आ रही है, ये शायद से वैफ 4 के साथ में है ना गाइस। आपको क्या लगता है, जरा पहले से गेस करके रखो आप लोग कौन सा ट्रेन है ये वैफ 4 के साथ में। 11271 विंध्याचल एक्सप्रेस का क्रॉसिंग देख लो आप लोग, वैफ 4 के साथ में, पीछे में आईसीएफ का लिवरी इस पे लगा हुआ है। क्रॉसिंग कैसा लगा गाइस आप सभी को बताना मत भूलना। और ये जा रहा है पीछे में गार्ड वाला कोच। ओ गाइस यहाँ पे देखो यार कितना सुंदर नज़ारा है गाइस, यहाँ पे पटाखे वगैरह शायद से यहाँ पे जलाए जा रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा यार। क्या ही सुंदर नज़ारा हमारे रूट क्रिएटर ने बना के रखा है। देखो यार शायद से सुरेंद्र कुमार जी है जो कि इस रूट को बनाया है। मैं नेम यार ठीक से देख नहीं पाया, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। लेकिन उन्होंने जो काम किया है ना आप लोग देखो यार, कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। मैं पहली बार किसी रूट में ऐसा सेलिब्रेशन को इन्जॉय कर रहा हूँ यार। कुछ है क्या यहाँ पे जो सेलिब्रेशन वगैरह हो रहा है, आप लोग बताना कमेंट्स में ये नज़ारा कैसा लगा आप सभी बार। इसके लिए एक लाइक ठोकना तो बनता ही है गाइस, ठोकोगे कि नहीं? यहाँ पे देखो ये सर्कल टाइप का कुछ, यहाँ पे पटाखे वगैरह जलाए जा रहे हैं। तो चलो गाइस हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं। और शायद से सामने में 110 का लिमिट आ तो रहा है, लेकिन उससे पहले ना 35 का लिमिट मेरे को दिखाई दे रहा है, 35 का लिमिट। तो हम लोग ज़्यादा स्पीड तो कर नहीं सकते क्योंकि सामने में 35 का लिमिट है। एक काम करते हैं, ब्रेक्स वगैरह थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारा ट्रैक चेंज वगैरह भी हो, बिल्कुल हो सकता है। तो यार सेफ्टी पहले लेनी चाहिए, जल्दी से हम लोग ब्रेक्स वगैरह अप्लाई कर देते हैं। देखो और सामने में मेरे को देख के लग रहा है ट्रैक चेंज हमारा होने वाला है, देखते हैं। हाँ गाइस मैं कह रहा था ना कि शायद से ट्रैक चेंज हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ट्रैक चेंज आप लोग देखते रहिए, ये हो रहा है हमारा पूरा ट्रैक चेंज गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ में। फ्रेट ट्रेन इज स्टैंडिंग एट भेड़ाघाट मेन लाइन, सो यू हैव टू गो थ्रू भेड़ाघाट प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लीज स्लो योर ट्रेन बिफोर कमिंग टू भेड़ाघाट स्टेशन। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है, सामने भेड़ाघाट स्टेशन है, वहाँ पे किसी फ्री ट्रेन को रोक के रखा गया है, तो हम लोगों को साइड में लूप लाइन से पास करवाया जाएगा और वहाँ पे स्पीड हमको 30 के अंदर या 35 के अंदर में रखना है। तो वही हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। वैसे भेड़ाघाट अभी तो नहीं आ रहा, अभी बाकी आने में, उससे पहले 110 का एक्शन भी है। और मुझे एक बात बताओ, ये लेफ्ट साइड वाला जो ट्रैक है पता नहीं किस साइड में जा रही है गाइस। ये देखो गाइस ये जो लेफ्ट साइड वाला जो ट्रैक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिंगल लाइन ट्रैक है, पता नहीं यार किस साइड में जा रहा है ये ट्रैक। मैं थोड़ा जूम करके देखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से तो कुछ नज़ारा अच्छे से दिख नहीं रहा है, हल्का फुल्का ट्रैक्स ही नज़र आ रहे हैं बस। तो चलो यार ट्रेन को पकड़ लेते हैं हम लोग। और अभी शायद से स्पीड लिमिट 110 का मिल चुका है, तो चलो गाइस देर किस बात की, अभी हॉर्न बजाते हैं और जल्दी से थ्रॉटल करते हैं फुल पावर पर। और जो लेवल का स्पार्क हो रहा है ना यहाँ पे, क्या ही मस्त स्पार्क यहाँ पे हो रहा है। एक सेकंड यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे भैया यहाँ पे क्या हो गया, आग लग गया क्या? अरे कौन है भैया जिसने जंगल में आग लगाया है? पता नहीं यार यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा जंगल पे क्यों आग लगाया है यहाँ पे, क्या कोई इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे जिसको कि यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया। और बाकी आप लोग वैप 7 का एक्सेलरेशन देखो, क्या खतरनाक एक्सेलरेशन कर रही है, साथ साथ में आप लोग की फायर भी देखो यार। खैर जो भी, हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते क्योंकि 110 का एक्शन आप लोगों को दिखाना है ना। थोड़ा सा डोर व्यू पे मैं आपको लेके चलता हूँ, ये तो गार्ड वाला कोच है, सामने चलते हैं गाइस। यहाँ से आप लोग देखते रहिए गाइस, यहाँ से हॉर्न भी सुनाई दे रहा है। और ये देखो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं हमारे गरीब रथ के इंटीरियर में। गाइस मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे यार लाइट जल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको इंटीरियर दिखाया ना उसमें लाइट्स नहीं जल रहे थे गाइस। मुझे कोई आइडिया नहीं है यार, एक कोचेस में लाइट्स जल रहे हैं तो एक कोचेस में लाइट्स नहीं जल रहे हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी यार स्पीड हमारा कितना जा रहा है, 111 किलोमीटर पर आवर यार सही है स्पीड,
मतलब 110 में हम लोग अभी जा ही रहे हैं, मतलब ठीक ठाक है। थोड़ा सामने के साइड में चलते हैं हम लोग। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था यहाँ का जो लाइट्स है ना वो जल रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कितना ज़्यादा शानदार इंटीरियर लग रहा है। मैं इसी की मैं बात कर रहा था कि यार लाइट्स जलने से फील और ज़्यादा रियलिस्टिक आता है ना। और यहाँ पे देखो सारे के सारे जो लाइट्स है ना वो ग्लो कर रहे हैं, पूरे कोच में लाइट्स जल रहे हैं, लेकिन पीछे वाले कोचेस की अगर बात करें वहाँ पे लाइट्स नहीं जल रही। कोई पावर का कोई दिक्कत हुआ है क्या? पता नहीं यार, हो सकता है। और बाकी आप लोग इसका इंटीरियर और नज़ारा आप लोग देखते रहिए, विंडो साइड साइड लोअर सीट से नज़ारा देख रहे हैं। और ये फिलहाल ना काफ़ी ज़्यादा सुनसान वाले इलाके से होकर अभी हम लोग गुजर रहे हैं गाइस, आपको दिखा रहा हूँ आसपास का। आप लोग नज़ारा अगर नोटिस करेंगे बहुत ही ज़्यादा सुनसान वाला इलाका है, बीच से ट्रेन के ट्रैक्स है और वहाँ दूर में अगर देखेंगे तो यहाँ से एक हाईवे है गाइस, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। कितना ज़्यादा सुनसान और भूतिया टाइप का इलाका है, देखो छोटे मोटे गाड़ी यहाँ पे नज़र आ रहे चलते हुए, ज़्यादा गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे। और हमारी ट्रेन वहाँ से क्रॉस करी, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। तो बताओ गाइस ये नज़ारा कैसा लग रहा है, काफ़ी सुनसान सा इलाका है गाइस। चलो अब ट्रेन को पकड़ लेते हैं हम लोग। तो गाइस पूरा ग्रीन सिग्नल मिला है हम लोगों को यहाँ से आगे जाने के लिए। और सामने बेदाघाट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं अभी तक तो बेदाघाट नहीं दिख रहा ट्रैक मॉडल पे। जैसे ही दिखता है ना हम लोगों को स्पीड को रिड्यूस करवा लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को कहा गया था वहाँ पे फ्री ट्रेन को रोक के रखा गया है, जिसके चलते हम लोगों को लूप लाइन से पास किया जाएगा और स्पीड को हमारा डिक्रीज करना पड़ेगा। बाकी हॉकिंग और ट्रैक साउंड्स दोनों एंजॉय करते रहिए। तो यार यहां पे देख के लग रहा है हम लोगों को डबल येलो सिग्नल मिला है गाइस, तो स्पीड हम लोग बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करने वाले। 90 का स्पीड ठीक है गाइस, इतना स्पीड में रखते हैं। और एक काम करते हैं दोबारा से हम लोग डोर व्यू पे चलते हैं। फिर यहाँ से आप लोग नज़ारा देखिए, और ये डोर व्यू ना बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है। देखो गरीब रथ के अंदर में सब लाइट्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे ऑन है। और अगर सामने की बात करें गाइस, कोई ट्रेन आ रही है क्या? गाइस हो जाइए तैयार एक और क्रॉसिंग को एंजॉय करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ना ब्रेक्स वगैरह लगाना पड़ेगा। मैं थ्रॉटल को करता हूँ 0 पे और ब्रेक्स को धीरे धीरे अप्लाई कर देता हूँ, ताकि हमारा स्पीड जो है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहे, क्योंकि सामने बेदाघाट आ रहा है ना। तो ये कौन सा ट्रेन है? अच्छा ये लोडेड BTPN फ्रेट ट्रेन है जिसको पूरा ग्रीन सिग्नल मिला है। यार काफी लंबी BTPN वाली फ्रेट ट्रेन है जो कि हम लोगों को क्रॉस कर रही है, लेकिन यार अगर ये हॉर्न मारते हुए क्रॉस करता ना तो मजा दुगना हो जाता। ये किसी लेदर क्रॉसिंग से होकर अभी हम लोग गुजर रहे हैं और फाइनली बेदाघाट के पास एंटर ही करने वाले। उससे पहले स्पीड जल्दी जल्दी से हम लोगों को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा हाई है हमारा स्पीड। वैसे गार्ड जी ज़रा निकलो बाहर यार, हम लोग ग्रीन फ्लैग तो दिखाओ, वहाँ दूर में देखो यार। थोड़ी देर पहले कितना ज़्यादा सुनसान लग रहा था ना ये रोड, अभी धीरे धीरे थोड़े मोटे ट्रैफिक दिखाई देना स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। यार इतना स्पीड सही है, हम लोग 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ चुके हैं। और अगर बात करें सामने के साइड में तो बेदाघाट में बस हम लोग एंटर करने ही वाले हैं। और अगर इस साइड के डोर व्यू की बात करें तो शायद से हमारा ट्रैक्स चेंज यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि सामने हमारे ट्रैक्स में फ्रेट ट्रेन है ना। हम लोग हॉर्न वगैरह बजा देते हैं यहाँ से, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। स्पीड हमारा सही है ना? हाँ स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा। ये देखो गाइस हमारा ट्रैक्स चेंज हो रहा है वैप 7 के साथ में, और ये रहा फ्रेट ट्रेन जो कि हमारे ट्रैक्स पे रुका हुआ है। ये देखो यार, यार तुमको रुकने का और कोई जगह नहीं मिला यार, हमारे ट्रैक्स पे रुकना पड़ा है, साइड में रुक जाते हैं हम लोग आराम से निकल लेते। काफ़ी स्लोली स्लोली गरीब रथ एक्सप्रेस को पास करवाना पड़ रहा है बेदाघाट स्टेशन पे इस फ्रेट ट्रेन के वजह से। आप लोग ऐसे क्रॉसिंग है पर देख लो, और कोई ट्रेन आ रही है क्या यहाँ से? नहीं अभी तो कोई ट्रेन आ नहीं रही है, फिलहाल हम ही लोगों का क्रॉसिंग चल रहा है यहाँ से। खैर यहाँ से आप लोग क्रॉसिंग ज़रा इन्जॉय कीजिए, मैं एक बार हॉर्न वगैरह बजा देता हूँ। वैप 7 का शानदार क्रॉसिंग आप लोग जरा देखते रहिए। गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ में काफी स्लोली स्लोली क्रॉस करते हुए बेदाघाट स्टेशन को कर रहे हैं अभी हम लोग स्किप। अरे वैसे कितने कोचेस थे यार हमारे ट्रेन के, मैं देखना भूल गया गाइस कितने सारे कोचेस थे पता नहीं। चलो यार अभी हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं
और सामने के साइड का नजारे की बात करें, यहाँ पे दोबारा से ट्रैक चेंज हो रहा है, मेन लाइन को हम लोग दोबारा से कर रहे हैं ज्वाइन। बाकी यार बताओ यार, आप लोगों को यहाँ तक जर्नी कैसा लगा? दोबारा से हम लोगों को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है आगे जाने के लिए, और अगला जो हॉल्ट है वो आने में और ऑलमोस्ट 67 किलोमीटर्स रह गया है। तो गाइस मुझे पता नहीं यार वहाँ तक हम लोग टाइम पे पहुँचा पाएंगे कि नहीं। वहाँ पे वैसे पहुँचने का टाइम हम लोग को दिया गया 8:48 पे, तो 8:48 पे हम लोग को वहाँ तक पहुँचाना है, और अभी तो यहाँ पे 8 बज भी चुके हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है, शायद से ये थोड़ा सा लेट होने वाला है गरीब रथ एक्सप्रेस। तो अभी धीरे धीरे थ्रॉटल को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, और देखो यार दोबारा से वो जो हाईवे है ना वो बिल्कुल सुनसान हो चुका है, खाली हो चुका है। मैं कह रहा था ना यार, अभी थोड़ी ही देर पहले हम लोग देखे थे कितना ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे था, अभी दोबारा से पूरा खाली हो चुका है यार। ये काफ़ी रिस्की वाला एरिया लगता है, यहाँ से जल्दी से हम लोग निकलते हैं हमारे ट्रेन के साथ में। तो चलो गाइस दोबारा से 110 का लिमिट मिल चुका है, और अभी मैं आपको वैब 7 का एक्सेलरेशन दोबारा से दिखाता हूँ डोर व्यू से। यहाँ से आप लोग वैब 7 का एक्सेलरेशन देखते रहिए, ये एसी कोच में फिलहाल हम लोग हैं। एसी कोचेस इसका कि इंटीरियर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम लोग एक्सेलरेशन कर रहे हैं, 80 के स्पीड में भी पहुंच चुके हैं। ये देखो यहाँ पे फिर से कुछ कुछ छोटे मोटे बसेस दिखाई देना स्टार्ट हो चुके हैं, और बसेस के साथ में हो रहा है हमारा पैरेलल रन। ये नज़ारा भी आप लोग देख लो यार, तो बसेस यार कितने हैं, 60-70 के स्पीड में जा रहे होंगे, लेकिन हम लोग तो जा रहे हैं 110 के स्पीड में। और राइट साइड के ट्रैक्शन सिग्नल गाइस हो चुका है येल्लो, देखते हैं कौन सा क्रॉसिंग आज हम लोग को दोबारा से देखने को मिलने वाला है। ट्रैक साउंड काफी बढ़िया आ रहा है, इसका कहते हो? कोच इसका वाइब्रेशन भी काफी मस्त तरीके से देखने को मिल रहा है यहाँ पे। पूरा ग्रीन सिग्नल हम लोग को मिला है, देखो यार राइट साइड के ट्रैक का सिग्नल डबल येलो हो चुका है। अब देखते हैं यार कौन सा ट्रेन है, जल्दी जल्दी आ जाओ यार जिसको भी आना है। ये क्या गाइस, दोबारा से सिग्नल रेड हो चुका है, मुझे कोई आइडिया नहीं यहाँ पे सिग्नल का कोई दिक्कत है क्या? अभी अभी येलो सिग्नल दिखा रहा था, फिर से अभी देखा तो रेड सिग्नल हो गया, पता नहीं यार ऐसे हम लोग को उल्लू बना रखे ये लोग। मेरे को लगा कि कोई क्रॉसिंग होने वाला है, लेकिन नहीं यार अभी तो कोई फिलहाल क्रॉसिंग देखने को हम लोग को नहीं मिलने वाला है। और ये सामने में कुछ है क्या? नहीं, छोटे मोटे घर टाइप का नज़र आ रहा है यहाँ पे, और सिग्नल तो हमको ग्रीन ही मिला है, मेरे को यहीं से दिख रहा है अपना सिग्नल। और हल्का सा कर्व पे होते हुए अभी हमारा ट्रेन आगे बढ़ रही है, ये एक छोटा मोटा सा लेवल क्रॉसिंग है गाइस जिसे कि अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं। वैसे पूरा खाली लेवल क्रॉसिंग है, कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बिल्कुल खाली सा लेवल क्रॉसिंग था। और ये देखो गाइस, ये एक ट्रेन का फाइनल क्रॉसिंग देखने को मिल रहा है वैब 7 के साथ में, कोई ICF ट्रेन है 12854 अमरकंटक सुपर फास्ट एक्सप्रेस। नहीं यार मेरे को लगा था कोई क्रॉसिंग नहीं होगा, लेकिन फाइनली कोई क्रॉसिंग हम लोगों को देखने को मिल गया। तो ये क्रॉसिंग कैसा लगा आप सभी को? बाकी हम लोग खेत टाइप के इलाके से होकर अभी गुजर रहे हैं। तो गाइस यहाँ तक जर्नी कैसा लगा आप सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस का, मेरे को बताना ज़रूर से। और अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर से ठोक देना, क्योंकि आप लोग लाइक बड़ा कम ठोकते हो। और हाँ गाइस, आज का जर्नी हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट देखेंगे फिर से कभी करेंगे। और अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार एंट्री मारे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरीके के ट्रेन जर्नीज के ढेर सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो ओके गाइस, अभी मैं आपसे फिर से मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।